हेलो द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी भावी अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पुनः प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न पत्र देखेंगे, जो हमारी उत्तर प्रदेश स्टेट और सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्न पत्र पे, जिसका पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को बताइए। तो चलिए दोस्तों, पढ़िए अपने प्रश्न को और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को देते रहेंगे। और दोस्तों, अंत में जो है आप लोग ये बता जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कह रहा है कि कौन सा कार्य पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों से अपेक्षित होता है, ये बताना है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर दिखाते हैं। तो इसमें तीन ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, एक ऑप्शन नीचे है दोस्तों, तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद देखते हैं। अगला ऑप्शन ये है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो है सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, यही राइट आंसर इसका होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को तीक्ष्ण करने के लिए क्या किया जाता है, ये बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। चलिए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो होने लगा है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, यही इसका आंसर होगा पहला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कहाँ से है। तो दोस्तों, ये संविधान से लिया गया है, जो कि संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल 1/10 यानी 1/10 जो है सदस्यों का, 1/10 भाग जो है सदस्यों का होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो मूल ढांचे में संशोधित नहीं किया जा सकता है, उसके जो है अंगों में बढ़ोतरियों किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है, तो ये कौन सा मामला था ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है केशवानंद भारती मामला जो था, इसमें इसको जो है कहा गया था कि जो है संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, दिखने लगा। भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है, यदि क्या होगा, तो संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए और बी दोनों राइट होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को नामित किए जा सकते हैं, ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा है, राज्यपाल की बात कर रहा है, अन्यथा गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें 26 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एक बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। और कहाँ पे कर सकता है राज्यपाल, विधानसभा में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 127 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, मुख्यमंत्री जो है वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगर नीति आयोग या नीति योजना का अध्यक्ष क्या कौन होता है बात करते हैं, तो आप बताइए कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को बताइए। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, वो मुख्यमंत्री ना होकर के प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि कह रहा है कि कौन पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो सर, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होगा, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोल्डन पांडा अवार्ड जो है ये इसमें दिया जाता है, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सब्जियों को छीलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब हम लोग घरों में खाना जो हमारे बनता है उसमें अगर सब्जियों को छील दिया जाता है तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, ये बताना है। तो इसमें 29 में ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर सही होगा, जो कि विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा अन्य स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो 130 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो है वसा जो है हमारे शरीर में जो है अन्य स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में प्राचीन सेंट थॉमस चर्च जो है स्थित है, ये बताना है। प्राचीन सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है। 31 का ऑप्शन नंबर सी केरल एकदम राइट आंसर बिल्कुल होगा। चलिए अगले प्रश्न के, केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे स्थित है। संघाई हिरण यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि काबुल लामजाओ या केबुल लामजाओ विश्व का एक तैरता हुआ पार्क है जो हमारे कहाँ पे स्थित है, बताइए कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को। बहुत अच्छे, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है मणिपुर में स्थित है काबुल लामजाओ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना परसेंट होता है। तो वायु में कितने परसेंट ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन नंबर डी 21% ऑक्सीजन होता है और 78% लगभग ये जो है नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 78% सी वाला जो है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बताइए बास्केटबॉल की टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो उसमें जो है 5 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन में जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 136 में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं, कह रहा है कि USA की TVA यानी कि टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में क्या है या किस प्रकार कहाँ पे है, यही बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दामोदर घाटी परियोजना पे स्थित है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को नहीं लिख रहे हैं, कृपया अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके कौन से सही आंसर बन रहे हैं। ठीक है, सही कौन सा सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं। तो ओजोन परत का अवक्षय यानी मुख्य रूप से किसके कारण होता है, ये बताना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का तात्पर्य है कार्बन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कौन सा, अगर बात करें दोस्तों ये क्या कहते हैं ओजोन परत के जो है अवक्षय के कारण को जो है कब ये लॉन्च मतलब किया गया था, तो ये जो है इसका निर्माण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वार नदमुख यानी बेला संगम बनाती है। अभी बताया गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को बदल दिया गया है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जो कि नर्मदा है। ज्वार नदमुख की बात होती है और दोस्तों ये पूरब से पश्चिम की दिशाओं की ओर बहती है, जो अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है, ये बताना है दोस्तों, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल के आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, चेमयुंगडुंग एक ग्लेशियर है जो तिब्बत के पास में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से ये बहती हुई जो है ऊपर से
क्या कहते हैं हिमालय पहाड़ी से आती हुई जो है आके क्या कहते हैं असम से होकर, अरुणाचल प्रदेश असम से होकर जो है पश्चिम बंगाल में ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है चलिए, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन संकटापन्न प्रजाति है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, संकट यानी कि संकटापन्न का तात्पर्य है कि कौन से जो है प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है, ये बताना है। तो 141 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्लू शिप जो है ये संकटापन्न प्रजाति है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1972 में जो है ह्यूमन कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ आयोजित किया गया था, ये बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है स्टॉकहोम, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था। बहुत अच्छा, अभी थोड़ी देर बताया गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये क्या है, ठीक है। तो बताइए क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस वर्ष अमल में आया, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2005 में ये अमल में आया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कौन सा फसल जो है चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, ये बताना है। तो 144 में ऑप्शन नंबर ए जो है ये धान मक्का गेहूँ जो है यही जो है चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चक्र पूर्वी का मतलब होता है कि दोस्तों कि बदल बदल के, जैसे धान को अगले साल फिर धान लगाना है, इसी को रिपीट होता रहता है, तो यही चक्र पूर्वी जो है फसल कहलाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिसली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो वो कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाराबंकी के देवा शरीफ में ये जो है लगता है, ठीक है दोस्तों, जो कि बाराबंकी से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये मेला जो है प्रतिवर्ष कार्तिक माह के समय पे लगता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातत्व एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो बताइए कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को बताइए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उसकी बिक्री जो है सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से एक नॉन CAIR संस्था जो लखनऊ यूपी में स्थित है उसको पहचानना है। तो कौन सी संस्था है जो यूपी में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, IISR जो है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कूटनीति के प्रश्न है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो इसमें कथनों पर विचार करना है, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर और स्पाइडर वानर चार ये शब्द लिखे गए हैं, वाक्य लिखे गए हैं, और उसके भी नीचे लिखे गए हैं कि कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, ये बताना है। तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें भारत में तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर पाए जाते हैं, स्पाइडर वानर नहीं पाए जाते, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न कौन सा होगा देखते हैं। परितंत्र, ये भी कूटनीति के प्रश्न है, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार का जीव अपघटन जीव कहलाता है या कहलाते हैं, ये बताना है। विषाणु, कवक, जीवाणु तीन दिए गए हैं, इसमें कौन कौन सा सही होगा ये बताइए। कूटनीति चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा और तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि जीव कहलाता है, यानी अपघटक जीव कहलाते हैं, ठीक, ये वाला विषाणु नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो परी एक मिनट, चलिए दिखने लगा आप लोग को। तो परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है, पहला दूसरा तीसरा आप लोग पढ़िए, ये देखिए है आपके सामने, तो इसको पढ़िए उसके बाद आंसर को बताइए।
उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो इस पे चलते हैं उत्तर पे, उत्तर देखते हैं कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल एक आंसर सही होगा, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। जो कि कहता है हमारा, क्या कहता है देखते हैं, कहता है खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला वाला। तो दोस्तों आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।